आज संतूर होटल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है। सेंट्रल लेक व्यू होटल को रियासती सरकार ने अपने तहवील में लिया है और तहवील में लेके रियासती संतूर होटल के 160 मुलाजमीन को बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया। उनको यूज एंड थ्रो पॉलिसी की बिना पर वहाँ से निकाला जा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि इन मुलाजमीन की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है ये नाइंसाफ़ी है, ये सिविल सर्विस रूल्स के खिलाफ फर्जी है, ये तो लेबर लॉज की खिलाफ फर्जी है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। जिस एज जिंदगी के जिस मुकाम पर ये मुलाजिम इस वक्त खड़े हैं, उन्होंने 30 साल 35 साल अपना प्राइम यूथ इस डिपार्टमेंट को दिया है। आज इनकी बेटियों के हाथ मेहंदी के लिए तरस रहे हैं, इनके वालदिन दवाई के लिए तरस रहे हैं, उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में काम कर रहे हैं। अगर आज उनको सर नौकरी से निकाला गया है, मुझे लगता है इनको खुदकुशी के बगैर कोई चारा नहीं है। सर, लगातार पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गए जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इन दिनों में कंसर्न डिपार्टमेंट से आप किसी ऑफिसर से बात हुई? देखिए ये अफसोस का मुकाम है। ये गरीब मुलाजिम सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संतूर होटल से उनको धक्के में आकर बाहर निकाला गया है। ये डेफ ईयर रखने वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ इनकी बात को सुने, उनकी बात उनके साथ टेबल पर आए, उनके साथ बात करें, वरना जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम इन मुलाजमन के साथ शाना बशाना हर सतह पर जमहूरी तौर तरीके अपना कर पूरा मन जुटजात में बराबर शरीक हो जाए। इनकी जायज मांगे पूरी नहीं हुई, ये तो एजिटेशन जहाँ तक इस तंजीम का फैसला है, उन्होंने एजिटेशन जारी रखने का प्रोग्राम किया है और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम की हैसियत से और साहब के ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उनका फुल सपोर्ट होगा। मैं फयाज अहमद संतूर होटल से हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें इतना ही पता है कि हमें संतूर होटल से बाहर निकाला गया है। तब से हम यहाँ आपकी इस प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते आ रहे हैं। तो इस वक्त फिर से मुबादाना गुजारिश हमारी तरफ से है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को, कि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा जो ये इस वक्त हो रहा है, इस वक्त हम सड़क पर हैं, हमारा कोई फैसला ले लीजिए। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारी फैमिलियाँ बहुत तंग आ चुके हैं। सभी देख लीजिए, आप सबों के चेहरों पर गम है, गम। तो हमने इसलिए आज बैच भी, ब्लैक बैच भी इसीलिए लगाया है कि हम गमों में मुबतला है, हमारे घर जो है सारे मुबतला गमों में है। इसलिए हमारी कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं है कि कोई बात हमसे कुछ किसी को मतलब दिल में दुख लगी होगी तो वो शायद ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई सियासत हम यहाँ करने आए हैं। बस अपना जॉब की प्रोटेक्शन हम मांगना चाहते हैं। बस यह हमारी रिक्वेस्ट है एलजी सरकार से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि प्लीज़ हमें हमारा जो ये फैसला प्लीज कर दीजिए।